नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूलिया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और भीड़ को लाल किले तक ले जाने को लेकर निशाने पर आए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने अब सफाई दी है। बुधवार शाम दीप सिद्धू की तरफ से फेसबुक पर एक वीडियो डाला गया, जिसमें वो अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर निशाने पर लिया जा रहा है। फेसबुक पर लाइव होकर दीप सिद्धू ने कहा कि उनके बारे में कई बातें कही जा रही हैं, ऐसे में वक्त आ गया है कि कुछ बातें स्पष्ट कर दी जाएं। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा लगाने के मामले में दीप सिद्धू ने कहा कि युवाओं को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की बात कहकर बुलाया गया था। बाद में किसान नेताओं ने दिल्ली में तय रूट पर परेड की बात कह दी। युवाओं ने इस पर रोष जाहिर किया तो किसान नेता वहां से किनारा कर गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बड़ा कुछ मैं सुन रहा, देख रहा, बड़ा कूड़ प्रचार ते नफरत फैलाई जा रही है मेरे खिलाफ, ते मैं सब कुछ पी रहा। इस करके भी एक सांझी लड़ाई ते एक संघर्ष जो असी विढ़िया, साढ़े मोर्चे नूं कोई ढा ना लगे, पर हुण जिस पड़ा ते आ गए हैं ना, हुण कुछ गल्लां करनियां बड़ियां जरूरी आ। पहली गल तां इह, 26 तरीक तों पहलां जिहड़ी रात सी, उस रात नूं साडे नौजवानां ने ते होर भई कई बंदियां ने स्टेज ते जाके आपदा रोस प्रगट किया। किसान आगुआं कोले इह गल कही भी तुसी सानू इत्थे 26 तरीक दा दिल्ली अंदर परेड करन वास्ते सद्दा दिता सी। बार बार स्टेजां तों बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां, बड़े वड्डे वड्डे ऐलान किते सी, ते हुण जदों असीं इत्थे आ गए आ लास्ट मूवमेंट ते, तुसीं ओह रूट जो सरकार ने फाइनल किया उत्थे सानू ले जाण नूं जां उत्थे जाण नूं कह रहे हो, सो इह सानू मंजूर नहीं आ। सिचुएशन उत्थे इहो जी बन गई कि साढ़े आगू उत्थों किनारा कर गए, उदू बाद उत्थों होर भी बंदे आए वह भी किनारा कर गए। फिर मैनू सुनेहा भेजिया निहंग सिंह जथेबंदियां दे जिहड़े साढ़े बाबा जी सी, उन्होंने कहा भी सिचुएशन इत्थे गर्मा गर्मी हो गई है ते आओ। जदों मैं स्टेज ते पहुंचिया उदों सारी संगत नूं मैं जाके गल्लां समझाइयां और आगुआं दे साढ़े किसान आगुआं दे हक च गल्लां कीतियां भी ये साढ़े बजुर्ग आ, उन्हां ते बहुत वड्डा प्रैशर आ, सानू समझना पऊगा, सांझा फैसला लैणा पऊगा। उदे रात दी मेरी स्पीच देख लो, यही गल होई भी सांझा फैसला लो, संगत दे समझ दे हिसाब नाल फैसला लो। जिहड़ा संगत दे समझ नाल फैसला लिया जाऊगा वह गलत नहीं हो सकता, क्योंकि संगत दे करके ही मोर्चा, संगत दे करके ही असीं इत्थे खड़े हाँ। पर उस दिन आगुआं दी गल इह समझ च नहीं आई, उन्होंने मार्च अगले दिन जदों कढ़िया जिहड़ा रूट दिल्ली पुलिस ने ते किसान आगुआं ने फाइनल कीता सी, उस रूट ते 3000 बंदे भी नहीं सी, ते संगत आप मोहारी सिंघू बार्डर तों भी, गाजियाबाद बार्डर तों भी, टिकरी बार्डर तों भी, ते राजस्थान आले पास्यों भी लाल किले वल नूं तुर पई। हुण इत्थे किसी भी अगवाही च नहीं, आप महारी एक वहन जिहड़ा लाल किले वल नूं बह गया ते उधर नूं तुर पे। लाल किले जाके जदों गेट टुट्टिया उदू बाद मैं पहुंचिया उत्थे, उदों तक अंदर हजारां लोक साडे ते मेरे ख्याल च कोई सैकड़े ट्रैक्टर उदों तक उस पूरी सड़क ते लाल किले वाली सड़क ते दाखल हो चुके सी। लाल किले दे अंदर हजारां लोक दाखल हो चुके सी। मैं उस पूरी सड़क ते भज के गया अंदर जाके जदों देखिया उत्थे साडा कोई किसान आगू नहीं, कोई होर इहो जिहा बंदा नहीं जिन्हां ने वड्डियां वड्डियां बड़ियां गर्म गल्लां स्टेजां तों ते होर लाइव हो के कीतियां भी असीं तां दिल्ली दे अंदर दिल्ली दी जिहड़ा धौण ते गोडा रखांगे, बड़ा कुछ कहा गया, पर उत्थे मौके ते कोई नहीं। जदों कोई नहीं तां इक कल्ला मैं संगत ने जदों देखिया ते मैनूं खिच के उत्ते लै गए भी बई उत्ते साडे बंदे आ ते चलो चलिए। हुण उत्ते एक खाली जिहड़ी झंडा लाउण वाली उह अपना डंडा हुंदा, एक पोस्ट हुंदी आ, फ्लैग पोस्ट कहिंदे आ उहनूं, उह खाली पई सी, उहदे ते इक किसानी दा ते इक निशान साहब, इह दर्ज कराउण वास्ते भी साडा रोस आ, असीं आपदे हक लैण आए आ। ते उत्थे दो झंडे लाए गए ते पिछे साडा जिहड़ा नैशनल फ्लैग आ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣੇ ਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਓਂ ਕੋ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਖੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤੋ ਇਨ ਨੇਤਾਓਂ ਕੋ ਭਾਗਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਲਕ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਯੇ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
सिद्धू ने यह भी कहा कि मेरे पास हर बात की दलील है, किसान नेता अपनी मानसिकता बदले। ये तो साड़ी मानसिकता रहेगी यार, किथे बैठे हैं असी आपकी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं। होंद की लड़ाई च तुसी एक मोटरसाइकिल की वीडियो जिदा कोई सच थानू पता नहीं, तुसी वो देख देख के घसाती, एडी मानसिकता थोड़ी यार गंदी। हुण मैं की गल्लां करां थोड़े नाल, जे मैं बाहलियां गल्लां खोलूंगा ना, हजे तां बहुत गल्लां खोल सकदा, मैं बड़ियां गल्लां खोलियां जा सकदियां, पर हजे टाइम नहीं आ, हजे बहुत गल्लां नूं पीना पऊगा। पर मैं सच नूं सामने लिया के थोड़े रखूंगा, बा दलील रखूंगा, एक एक गल दी दलील देऊंगा थोनू। तुसी यार समझी की बैठे हो आपदे आप नूं, इत्थे जान तली ते रख के सिर धड़ दी बाजी लाई हुई आ। जिहड़े बंदे नाल कोई नहीं बोलिया हजे तक, कोई नहीं खड़िया, गदारी दे सर्टिफिकेट वंडते तुसी, भाई जी कोई थोड़े लई पैदा नहीं होगा, कोई थोड़ा आके ये नहीं कहूगा भी मैं थोड़े लई लड़दा यार, थोड़े हक्कां खातर लड़दा। बदलो, हजे भी बदल दो आपकी मानसिकता नूं ते साडे ढंग बदलो। दीप सिद्धू ने कहा कि मुझे लोग आरएसएस बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, क्या ऐसा कोई शख्स लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाएगा? उन्होंने कांग्रेस से भी अपने रिश्तों को नकारा है। हजे तक तुसी एक दूजे दियां लत्तां खिंचदे हो, हजे तक तुसी तौमतां लाई जाने हो। दूजी गल, जदों ये गल करनी बड़ी जरूरी है, मैनू आरएसएस दा बीजेपी दा बंदा कह रहे हो लाल किले ते निशान साहब ते किसानी दा झंडा, कोई आरएसएस दा बीजेपी दा बंदा लाऊगा? इहनू सोच के तां देखो, कोई तां इहदे पिछे लॉजिक होवे। अच्छा अगली गल, कोई कांग्रेस दा बंदा लाऊगा? कोई ओह बंदा लाऊगा जिन्हें कल नू चोणां लड़नियां? नहीं, उत्थे कोई सच्चा ते सुच्चा बंदा ही लाऊगा, ते जिन्नियां रूहां उत्थे सीगियां उह सच्चियां सुच्चियां सी। तुसी एक बंदे नू गदार कह के ते उह वी सारे गदार ही होए फिर तां जिहड़े उत्थे गए सी। किड्डी वड्डी तुसी इह जिहड़ी आपां कह लईए भी थोड़ी बदनीति सामने आ रही है इस गल तों, किड्डी थोड़े अंदर दर्द ही नहीं है किसे गल लई, गल दी समझ मैं लगता या तो तुसीं समझना नहीं चाहते, या समझदे होए भी नहीं समझ रहे भी एक बंदे ते कसूर उहदे ते थोपो, क्योंकि जिहड़े फैसले लए अज तक तुसीं उह फैसले आप मुहारे ते किसे ना किसे थोड़े अंदर एड्डी वड्डी ईरखा ते सब तो वड्डी गल हंकार, इन्ने हंकारे फिरदे हो भी किसे दी गल ही नहीं सुणदे, जो फैसला असी करता उही मनना पऊगा, आ भाषा थोड़ी। पंजाबी एक्टर ने कहा कि हम अपने हक को लेने गए थे, सरकार की तरफ से हमारी बात नहीं मानी गई। दीप सिद्धू ने कहा कि वहां पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। दीप सिद्धू ने कहा कि अगर ऐसा करने से मैं गद्दार हुआ तो बॉर्डर पर बैठा हर कोई गद्दार ही हुआ। आपको बता दें, दीप सिद्धू के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाल किले के पास निशान साहिब का झंडा लगाने और लोगों को भड़काने का उन पर आरोप लगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।